इंटीग्रेशन के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे, जैसे कि 1 / a² + x² dx का इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब याद रखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब जैसे कि जो क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, वो मान लीजिए इस फॉर्मेट में मिल रहा है। अब जितना भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे उसमें से तो कोई भी ये फॉर्मेट में है नहीं, तो इसको उस फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखिए और समझिए, इसको हम लोग चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है और नीचे में x^4+1 है। अगर हम लोग इसमें ऊपर नीचे, मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन था तो ऊपर में भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ और नीचे में x^4+1/x² से डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 1/x² हो जाएगा, यहाँ पे dx है और यहाँ पे x^4/x², यहाँ पे 1/x² और यहाँ पे आपका dx। अब क्या आ जा रहा है, हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 1, देखिए ये तो कट जाएगा आपका ये और ये, और यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, हम लोग को मिल रहा है 1+1/x² और नीचे में क्या मिल रहा है हम लोग को, नीचे में मिल रहा है x² + 1/x², ठीक है, यहाँ पे आपका dx। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे x^-1/x² - 1/x को मैं अगर t लेता हूँ, ठीक है, क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल देखिए यहाँ पे अगर मैं x - 1/x अगर t लेता हूँ, तो अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करने पे हम लोग को मिल जा रहा है 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 1 और उसके बाद यहाँ पे ये जो x है, इसका अगर डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x^-1 हो जाएगा, x^-1 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -1 + 1, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, सॉरी माइनस रहेगा, तो ये क्या मिल जा रहा है हम लोग को, ये मिल जाएगा -x^-2 जो क्या बन जाएगा -1/x² बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये माइनस था और ये माइनस था, तो ये क्या हो जा रहा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1/x² और यहाँ पे आपका dx इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dt। तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो ऊपर में था 1+1/x² dx, तो इसके जगह में हम लोग आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल dt लिख देंगे, क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। और कैसे आया आपको समझ में आया चीज, तो उसके बाद में अब और क्या देखेंगे हम लोग कि ये तो काम हो गया हमारा, ये तो काम हो गया हमारा, बट नीचे में यहाँ पे क्या है x² + 1/x² को भी dt में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो x - 1/x = dt है। तो अगर हम लोग इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे, मतलब कि इस चीज को अगर हम लोग लेके x - 1/x का स्क्वायर कर दे और यहाँ पे t का स्क्वायर कर दे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए ये हो जाएगा आपका x² उसके बाद +1/x² a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, -2 × x × 1/x, तो ये कट जा रहा है और यहाँ पे क्या है t², ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे x² + 1/x² है ना,
और ये माइनस टू को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस टू। यहां तक समझे बात तो ठीक है। तो अब यहां नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस टू लिखेंगे, और ऊपर में वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है कुछ इस तरह से हो गया हमारा, ऊपर में क्या आ गया है डी टी, और नीचे में क्या आ गया था टी स्क्वायर प्लस टू। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है ना। तो उसी तरह से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं इसको लिखूं इस तरह से डी टी बाय टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो टू है इसको मैं लिख सकता हूँ रूट टू का स्क्वायर, बात तो एक ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका वन बाय, इसका फॉर्मूला आपका क्या है, वन बाय, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है वन बाय ए टेन इनवर्स वन एक्स बाई ए प्लस सी। तो उस प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे ए क्या है, रूट टू है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वन बाय रूट टू आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा वन बाय रूट टू आ जाएगा, और उसके बाद में फिर टेन इनवर्स आएगा, और उसके बाद एक्स बाय ए है, तो यहाँ पे एक्स क्या है टी है, तो टी बाय रूट टू आ जाएगा, और फिर प्लस सी हो जाएगा। और उसके बाद में अब जो टी का वैल्यू था वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू क्या था, पहले मैं लिख देता हूँ वन बाय रूट टू, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका टेन इनवर्स, और टी का जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, टी का क्या लिए थे हम लोग, टी इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे, वन एक्स माइनस वन बाय एक्स लिए थे, ठीक है, बाय रूट टू प्लस सी। बात समझ में आ रहा है, जैसे देखिए क्वेश्चंस तो हमको मिलेगा इस तरह से, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लाएंगे, और भी जो देखे थे हम लोग फॉर्मूला उसमें हम लोगों को थोड़ा से तो दिमाग लगाना होगा, और इस फॉर्मेट में हम लोग को लाना होगा। इस फॉर्मेट में लेके आने के बाद में बस जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग इसको डाल देंगे, और अगर टी वगैरह जो है टी जो लिए रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे जो लिए थे, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आराम से यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम्पल जो मैं समझाया हूँ अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।